नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माधवराजपुरा किले के लिए लेके जा रहे हैं। माधवराजपुरा के किला फागी के पास माधवराजपुरा में स्थित है। मौसम बहुत ही सुहाना है और चार तरफ बरसात हो चुकी है। हम अपनी बाइक से धीरे जा रहे हैं। ये जो गेट देख रहे हैं, ये माधवराजपुरा किले का मेन गेट है। कहते हैं राजस्थान राजाओं का स्थान है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और वीर गाथाएं आज भी प्रचलित हैं और आज भी हम किताबों में इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की वीर गाथाएं और इनकी वीरता के बारे में आज भी हम किताबों में पढ़ते रहे हैं और रहेंगे। कम से कम 250-300 साल पुराना है। अच्छा, जयपुर रियासत के टाइम का बसा हुआ है ये। अच्छा सर, ये अपने जयपुर की बसावट हुई थी ना। ठीक सर, उसके टाइम में। ठीक सर, तो ये एक राजा थे, एक माधो सिंह जी। ठीक हाँ। है सर, तो माधो सिंह जी की वजह से इसका नाम पड़ा माधवराजपुरा। तो हाँ। ये पूरा जो आसपास की बसावट है इस टाउन की, ये महाराजा माधो सिंह जी ने बसाई थी। अच्छा सर, तो इसकी जो बसावट है वो जयपुर की तरफ से बसाई गई थी। जयपुर की तरफ से। हाँ, तो यहाँ की हर गली है ना, तो जैसे सीधे निकलेगी, चौराहे से काटेगी, मतलब जैसे जयपुर की गलियाँ मतलब, होती है। हाँ, वो गलियाँ मतलब क्रॉस बंद नहीं होता, वो आपकी सीधे निकल जाएगा, रास्ता निकल जाएगा आगे। अच्छा। और फिर उसके बाद में एक राजा हुए, ये करण सिंह जी की ये सामने जिनकी प्रतिमा है। अच्छा, तो करण सिंह जी के क्या हुआ कि एक मुगलों के युद्ध हुआ था। ठीक है सर, एक मुस्लिम शासक था। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ आक्रमण कर दिया। ठीक है सर, वो मुस्लिम शासक था, वो क्या था कि थोड़ा बलशाली था। हाँ, मुस्लिम। हाँ,
क्रूर भी रहे हैं। हाँ, वो बलशाली था, बलशाली भी थे। अब वहाँ क्या हुआ कि इन्होंने सोचा भाई अपन इससे है ना जो युद्ध नहीं कर सकते, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया अपनी सेना को आदेश दिया भाई अपने को बाहर नहीं जाना। तो क्या हुआ कि वो जो सेना आई थी उसकी मुस्लिम की, वो अपने ये जो खाई बनी हुई नीचे इसके नीचे किले के चारों तरफ खाई बनी, अच्छा, हाँ, पानी के, जिसमें पानी भरा था, ठीक है, ताकि इसकी सुरक्षा के लिए भाई को अंदर नहीं आ, कोई एंट्री नहीं ले सके, आक्रमण के समय वो खाने की जितनी भी अपने स्टॉक में जो सामान था वो खत्म हो गया, और वो सेना थी वो हटने का नाम नहीं ले रही थी मुस्लिम वाली। हाँ, तो फिर राजा ने ये कहा कि भाई अब ऐसा करो अपने को अब युद्ध करना ही करना है, ठीक है, तो केसरिया बाना पहन लो। हाँ, केसरिया बाना का मतलब ये है कि मतलब आदमी मरने मारने पे उतारो। हाँ भाई, अपने को जैसे जीतना है, मरना ही है, सीधी सी बात, ये जीते हैं आ रहे, ठीक है। तो वो लोग है ना जो यहाँ से गेट खोल दिया, तो इतने में वो जो सेना आ गई है, सेना आते उनके युद्ध हुआ, युद्ध होते उनके राजा के सारे सैनिक मारे गए साहब। तो उनका जो इस जगह युद्ध हुआ था तो इनका जो सर कट के यहीं गिर गया था, ठीक है, इस जगह ही यहीं गिर गया था, ठीक है। अब वो जो रानियां थी उन्होंने अपना वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने साहब वो कर लिया, जौहर कर लिया, वीर रानियां रही हैं। हाँ, और फिर ऐसा चमत्कार हुआ साहब कि ये जो बिना सिर का आदमी, मतलब ये घोड़ी पे बैठे हुए भी क्या है, सर कटने के बाद फिर इन्होंने क्या है कि मार काट चालू करी और वो उसकी सेना को उन्होंने परास्त कर दिया, पीछे हटा दिया उसको, और वो कम से कम 1 किलोमीटर तक मार काट करते चले गए। यानी सर कटने के बाद भी, सर कटने के बाद भी इतने वीर योद्धा थे। हाँ, सर कटने के बाद भी मतलब सर कट गए लेकिन फिर भी लड़ते रहे। फिर उनका जो सिर है ना 1 किलोमीटर बाद जा करके कहीं जाके गिरा है, तो यहाँ तो पुछता सिर और जहाँ गिरा है धड़ वहाँ धड़ पुछता है, वहाँ भी मंदिर है। अच्छा, 1 किलोमीटर बाद भी मंदिर है। वहाँ मंदिर है, तो वो स्थान कहाँ पे पड़ेगा सर? यही है माधोराज। जैसे आप जाएं तो हम थोड़ा सा आइडिया बता देंगे। हाँ, बता दें। चलो आपसे पूछ लेंगे। बड़ी शानदार जगह, बड़ी सुहानी जगह, लेकिन डरावनी भी है जगह। हम अंदर जा रहे हैं महल के अंदर, देखिए पेड़ पौधे, मुझे अकेले आते हुए बहुत ही डर लग रहा है। ये जो किला आप देख रहे हैं, ये किला बहुत ही खूबसूरत, अपने जमाने का बहुत ही खूबसूरत किला था, जो आज एक जर्जर खंडर बन चुका है। ये टूटे फूटे खंडर हमें ऊपर चढ़ रहे हैं। ये तहखाना सा जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा ही डरावना है। यहाँ की सीढ़ियाँ ब्यूटीफुल स्कंडर वाली सीढ़ियाँ, वो ऊपर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। चमकादड़ ही चमकादड़ नजर आएगी।
जो हम आपको दिखा रहे हैं वो माधवराजपुरा खेड़ा के बालाजी के पास स्थित एक किला है जो माधव सिंह जी ने बनाया है, इसलिए ही इस एरिया का नाम माधवराजपुरा पड़ा। जो आपको हम दिखा रहे हैं अब हम इसके अंदर चलेंगे। कोल बाउलिया खंडहर खतरनाक सी ये जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पे सरकार द्वारा कुछ दिनों के लिए क्लासेस दी गई थी। अब हम छत पर चल रहे हैं, चारों तरफ शांति ही शांति नजर आ रही है। सुनसान इलाका, सुनसान जगह, ये जो आपको दिखाई दे रही गुंबद है, किले की दीवारें, ये हमारे देश की धरोहर है, राजस्थान की धरोहर, देश की धरोहर। लेकिन इस धरोहर को हम बचा नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, आज इसकी ये दशा हो चुकी है। चारों तरफ ऐसे ही नजर आते रहेंगे आपको, खंडहर से टूटे फूटे। लेकिन ये आप यहाँ चढ़ूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं बहुत ही जर्जर अवस्था में हैं। यदि मैंने पैर रख दिया तो हो सकता है शायद मैं गिर जाऊँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। जहाँ तक कोशिश है मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊँगा। कैसा है भाई? कैसा है? बढ़िया। कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया, मस्त। कहाँ सुनेंगे वो? ये हमारे देश की धरोहर, राजस्थान की धरोहर जो जर्जर हो चुकी है। बहुत ही शानदार जगह, खंडरों की भरी हुई, भूतों की नगरी। डिजाइन
लेकिन मैं जाऊंगा नहीं सकता आप लोग। ये सुरंग का रास्ता बहुत ही भयानक, अंदर से हाथ आने वाला है, कैमरा ले जाएगा और तुम्हें भी कैच के ले जाएगा। आ जाओ। देखिए ये दीवार है माधवराजपुरा के किले की, ये इतनी मजबूत दीवार है कि 4-5 सालों में अब तक किले नहीं है। तो यहाँ पर चारों मोर मोर ही मोर नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं पहुंचता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए वो मोर यहाँ से भाग जाते हैं। देखिए ऊपर यहाँ रिस्क लेना, नीचे खाली है ध्यान रख। चलो चलो टावर है, यहाँ पे सैनिक वाच करते थे कि कोई दुश्मन पे निगाह रखते थे, तीखी निगाह कि कोई दुश्मन हमारे इलाके में आ तो नहीं रहा आक्रमण करने के लिए। देखिए इधर भी कर रही है, पापा जा रहे हैं अपने घर के तरफ बाहर निकले अकेले से। ये वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बांधे जाते थे जैसा कि हमें जानकारी दे रहे हैं बच्चे, दूसरी सेना थी ना मुस्लिम, उन्होंने कब्जा कर लिया, निकल नहीं पाए। कई जगह मधुराजपुरम सुरंग किले के अलावा।